Good morning, student. Welcome to Modal Public School. This is Arjun Chaudhary. Today we study how to translate Hindi to English. Use of should. आज हम लोग use of should को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आज इसको सीखेंगे. बच्चे कहते हैं कि सर मुझे जो है इंग्लिश तो मालूम पड़ता है, इंग्लिश मुझे मालूम है, लेकिन कैसे कहाँ कहाँ पे इसको यूज करें, कहाँ पे लिखें जिससे कि हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाए, ये मुझे दिक्कत होती है. सर मुझे ऐसा कोई ट्रिक बताइए जिससे मेरा जो ट्रांसलेट है वो सही हो जाए. तो आज हम कुछ ऐसे ही वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ. अगर आप ये वीडियो देखोगे आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कैसे आपको ट्रांसलेट करना है. ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें देखेंगे कि should mean क्या होता है, चाहिए. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चाहिए वर्ड अगर आया हो तो आप तुरंत समझ जाओ वहां पे जो है should का यूज होगा. किसका यूज होगा, should. यहां समझ में आया, जैसे देखो एक सेंटेंस है, जैसे कहा जाए रमा को खाना पकाना चाहिए. रमा को खाना पकाना चाहिए, तो रमा को खाना पकाना चाहिए, तो यहां पे देखो चाहिए शब्द आ गया. अगर चाहिए आ गया तो समझ जाओ आप इसका इसमें किसका यूज करना है, should का. चलो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद शुड लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यूज करना है. तो अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको स्पेलिंग आनी चाहिए. हमें जो है बहुत सारे वर्ड मीनिंग तैयार करने पड़ेंगे तभी जाकर हम किसी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं. चलो हम लोग देखते हैं इसमें किसका किसका मीनिंग हमें आता है. रमा, रमा की इंग्लिश रमाई होगा. खाना की इंग्लिश फूड होता है. पकाना की इंग्लिश होता है कुक. और सूट का इंग्लिश चाहिए. तो अब इतना आ गया, अब हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे जो स्टार्टिंग वाला वर्ड आया है पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर पीछे से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. पहले इसकी इंग्लिश लिखी है लिखनी है, फिर इसकी इंग्लिश लिखनी है, फिर इसकी इंग्लिश, फिर इसकी इंग्लिश. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे रमा. रमा की इंग्लिश क्या होगा, रमा. उसके बाद किसकी इंग्लिश लिखनी, चाहिए की. चाहिए की इंग्लिश क्या होता है, शुड. रमा शुड. ओके उसके बाद चाहिए के बाद पकाने की इंग्लिश. पकाने की इंग्लिश क्या होता है, कुक. कुक का फर्स्ट फॉर्म रहेगा फिर द फूड. कुक द फूड हो गया. ये आपका आंसर, आपका ट्रांसलेट एकदम सही है. नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा. सुरेश को मेले में सामान खरीदना चाहिए. सुरेश को मेले में सामान खरीदना चाहिए. अब थोड़ी सी बड़ी है, बड़ा देख करके आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. आपको जो है जैसा मैं रूल बताया उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप करते चले जाओगे आपका सेंटेंस एकदम सही होगा. सबसे पहले मैंने किसका इंग्लिश बताया, पहले स्टार्टिंग वाली इंग्लिश, फिर पीछे से आप एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ आपका सेंटेंस सही होगा. चलो करते हैं. सबसे पहले सुरेश की इंग्लिश लिखना है, लिखेंगे सुरेश. उसके बाद चाहिए की इंग्लिश शुड. उसके बाद खरीदना की इंग्लिश बाई. उसके बाद सामान का द गुड्स. गुड्स मीन क्या होता है, सामान. उसके बाद मे की इंग्लिश क्या होता है, इन. उसके बाद मेले में यानी कि इन द फेयर. ओके ये आपका सेंटेंस सही हो गया. नेक्स्ट, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए. तो तुम्हें गरीबों की पहले किसकी इंग्लिश लिखोगे, इसकी. उसके बाद पीछे से आगे की तरफ बढ़ते चले आना है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. पहले तुम्हें की इंग्लिश क्या होता है, यू. उसके बाद शुड. यू शुड हेल्प. मदद करना की इंग्लिश क्या होता है, हेल्प. यू शुड हेल्प टू द पुअर. टू द पुअर. ओके नेक्स्ट, माता जी को मंदिर में पूजा करना चाहिए या करनी चाहिए. माता जी को मंदिर में पूजा करनी चाहिए. लिखोगे द मदर. उसके बाद
The mother should. The mother should worship. The mother should worship. उसके बाद in the temple. In the temple. ओके okay? इस तरह कोई भी सेंटेंस रहेगा, कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, आप जो आसानी से उसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप खुद इसको जो है प्रैक्टिस करो, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। ओके okay? आप सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, दूसरों को भी बताओ कि जो है ऐसे जो है ट्रांसलेट की जाती है। आप सबको जो है समझ में आ जाएगा अगर ये वीडियो आप लोग इसको देखते हो। ओके okay? अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आती है हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के भेजना, हम उसे और सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको और बेहतर सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके थैंक यू।